जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं टाइम एंड वर्क का पांचवा लेक्चर लेकर आया हूँ और पांचवा लेक्चर में डियर स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक लेके आया हूँ, जिससे कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देने जा रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रीजनिंग का हो, या कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो इनसे आपको दो क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लॉजिक है और बहुत सारा क्वेश्चंस आपके टाइम एंड वर्क में इसी लॉजिक से बनता है। तो चलिए आज इस लॉजिक को हम क्लियर करते हैं। लेकिन लॉजिक क्लियर करने से पहले एक बात ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए अगला हम लोग लॉजिक पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 हुआ। तो यानी कि M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि आखिर M क्या है। तो M बराबर मैन हुआ, या तो मैन कह सकते हो, या तो एक ग्रुप कह सकते हो, चाहे वो मैन का ग्रुप हो या वुमेन का हो या बच्चा का हो, किसी न किसी व्यक्तियों के द्वारा जो एक ग्रुप होगा उसी को हम M1 कहेंगे। डी बराबर डेज हुआ। डेज क्या होता है कि टोटल दिनों की संख्या, यानी कि काम खत्म करने में कोई भी ग्रुप काम खत्म करने में कितना दिन लेते हैं, तो उसी को हम डी से इंडिकेट किए हैं। और एच बराबर आवर हुआ, घंटा, और डब्ल्यू बराबर वर्क हुआ, यानी काम। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरा का पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है कि M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 हुआ। कहने का मतलब है कि पहला ग्रुप अगर किसी दिन को, अगर पहला आदमी का ग्रुप जो है, ठीक है, अगर किसी काम को D1 दिनों में ख़त्म करता है, तो उसी कार्य को, यानी सेम कार्य जो है, इसलिए मैंने बराबर किया है कि कार्य आपका सेम है, उसी कार्य को M2 व्यक्ति जो है D2 दिनों में ख़त्म करेगा। तो यानी पहला ग्रुप अगर D1 दिन में ख़त्म करता है, तो उसी कार्य को दूसरा ग्रुप जो है D2 दिनों में फिनिश्ड कर देगा। तो यानी M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं भी आप भूलना नहीं। दूसरा है, देखो कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, वो दिनों के हिसाब से काम करता है, लेकिन कभी कभी घंटा के हिसाब से काम करता है, घंटा के हिसाब से। तो क्या लिखा है मैंने, M1 गुना H1 गुना D1 बराबर M2 गुना H2 गुना D2। कहने का मतलब है कि अगर पहला ग्रुप अगर H1 घंटा कार्य करके किसी कार्य को अगर D1 दिनों में ख़त्म करता है, तो उसी कार्य को M2 व्यक्ति H2 घंटा काम करके D2 दिनों में ख़त्म करेगा। क्लियर। अगला देखो, जैसे ही काम W बराबर वर्क होता है, सेम अगर W को हटा दें, अगर मैं W को थोड़ा देर के लिए अगर हटा दूं, तो देखो ये जो है आपका, ये सेम फार्मूला है, ठीक है, और ये देखो ये सेम फार्मूला है, 2 और 4 सेम है, 1 और 3 सेम है। जैसे ही W का अगर जिक्र हो, W मतलब कार्य क्या है, जैसे मान लो कि 5 को घर बनाना है, ठीक है, 5 को, या तो 200 मीटर का गड्ढा खोदना है, 200 मीटर का दीवार बनाना है, तो जो कार्य हुआ सीधा M1 गुना D1 बटे W1 बराबर M2 गुना D2 बटे W2। तो W से इसीलिए भाग देते, अगर W से अगर भाग देते, जैसे कि M1 व्यक्ति D1 दिनों में 120 मीटर का गड्ढा खोदता है, तो 120 से भागा दे देंगे तो एगो कार्य निकल जाएगा ना, तो इसलिए W से अगर भागा देगो तो एगो कार्य निकल जाएगा, और एक कार्य बराबर एक कार्य दोनों को इक्वल कर दिए। तो M1 गुना D1 बटे W1 बराबर M2 गुना D2 बटे W2, ये कॉन्सेप्ट में याद रखना। अब इसी में देखो, M1 गुना H1 गुना D1 बटे क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, तो M2 गुना H2 गुना D2 बटे W2 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है कि इसमें चार सेक्शन है, चार में से आपको तीन हमेशा देगा, चार में से तीन हमेशा देगा आपको, चौथा जो है चार में से तीन देगा आपको, एक जो है कोई भी निकालना है, एक इसमें निकालना है। अब इसमें 6 हुआ, 6 में से 5 हमेशा देगा और एक आपको हमेशा निकालना, वो कोई भी एक पूछ सकता है।
अब इसमें देखो छह है, छह में से पांच हमेशा दिया रहेगा, आपको एक इसमें से भी निकालना है। इसमें टोटल आठ में से सात को हमेशा दिया रहेगा, एक कोई भी चीज चाहे M1 हो, H1 हो, D1 हो, W1 हो, M2 हो, H2 हो, D2 हो, W2 हो, कोई भी एक चीज आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है डियर स्टूडेंट, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2, M1 गुना H1 गुना D1 बराबर M2 गुना H2 गुना D2। अगर जैसे ही कार्य का चर्चा होगा कार्य से हम भाग देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात क्या है कि अगर पहला ग्रुप पुरुष का होगा तो दूसरा ग्रुप भी पुरुष का ही होगा, अगर पहला ग्रुप महिला का है तो दूसरा ग्रुप भी महिला का होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं चलो पहला ग्रुप पुरुष ले लिए अगला ग्रुप महिला ले लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पुरुष और महिला का चर्चा करता है उस समय एक को दूसरे में तब्दील करना, पुरुष को महिला में या महिला को पुरुष में तब्दील करके ही आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखिए थ्योरी हम लोग कितनों अगर पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत जो है ना वो प्रैक्टिकल का देश है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं स्टूडेंट को करवाओगे तब तक उसको सीधा सीधा समझ में आता है। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चंस लेकर आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए हम लोग दो क्वेश्चंस को पहले देखते हैं और इसके बाद भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन याद है डियर स्टूडेंट बहुत ही मेहनत से ठीक है अपना तैयारी करो, क्योंकि अभी जो है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी पढ़ते हो माइंड लगाकर पढ़ो और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, अधूरा कॉन्सेप्ट तो कभी सीखो ही नहीं, अधूरा कॉन्सेप्ट हमेशा डेंजरस होता है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बात, कभी भी वीडियो अगर देखो किसी का भी देखो, चाहे मेरा देखो या किसी और का भी देखते हो, तो पूरा का पूरा वीडियो देखो, उससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। और आगे देखो, अब देखो कहता है कि पहला क्वेश्चन है, यदि 32 आदमी एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सकता है तो 28 आदमी इस खेत की फसल को कितने दिनों में काटेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या क्या दिया है कि 32 आदमी दिया है, तो भैया M1 बराबर दे दिया है 32, ठीक है, M1 बराबर दे दिया 32, और देखो इस खेत की फसल को 21 दिनों में काटेगा तो डी1 बराबर दे दिया 21, D1 बराबर 21 दे दिया है, तो 28 आदमी, देखो यहाँ भी आदमी है तो यहाँ भी आदमी है, तो फिर M2 बराबर दे दिया 28 आदमी, ठीक है। यहाँ देखो 32 आदमी था, 21 दिन था, 28 आदमी है, तो कहता है कितने दिनों में इस खेत की फसल को कितने दिनों में काटेगा, D2 बराबर वाट है। तो देखो सबसे पहले पहला ग्रुप आदमी का था तो दूसरा ग्रुप भी आदमी का है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हमने बताया था M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 होता है, तो 32 आदमी अगर किसी खेत की फसल को 21 दिनों में काटता है तो M1 गुना D1 बराबर M2, 28 व्यक्ति उसी खेत की फसल को कितने दिनों में काटेगा, D2 दिनों में काटेगा। तो चलो 7 चौके 28 चार बार में कट गया, 7 चौके 7 × 21 हो गया, 4 से कटा दो 8 चौके 32 हो गया, तो मेरा 8 × 24 बराबर क्या हो गया, D2। इसीलिए मेरा D2 जो आ गया मेरा 24 डेज आ गया, और ये मेरा आपका बी नंबर आंसर हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट है M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि देखो हमको पहला व्यक्ति है तो दूसरा ग्रुप भी व्यक्ति है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, पहला व्यक्ति है तो दूसरा ग्रुप भी व्यक्ति है। तो भैया M1 कितना दिया है, M1 मेरा कितना दिया, 51 व्यक्ति है, और 170 मीटर की दीवार ये W1 हो गया, ये W1 हो गया, ये वर्क हो गया, 170 मीटर की दीवार जो है ये काम हो गया, 25 दिनों में बना सकता है, तो 25 दिनों में बना सकता है तो D1 बराबर 25 दिन हो गया, ठीक है। तो ये देखो M1, W1, D1 दिया है। आगे कहता है 30 व्यक्ति, तो M2 कितना हो गया, M2 कितना हो गया, 30 हो गया, और 120 मीटर, तो W2 कितना हो गया, 120 मीटर, और कितने दिनों में बना लेंगे, तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट D2 ही निकालना है,
डी टू ही निकालना, यानी एम वन दिया है, डब्लू वन दिया है, डी वन दिया है, एम टू दिया है, डब्लू टू दिया है, डी टू दिया है, तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही वर्क का काम चल रहा है तो एम वन गुना डी वन बटा डब्लू वन, ठीक है। तो एम वन, एम वन आपका कितना है 51 गुना डी वन कितना है 25 बटे, 25 बटे क्या करोगे आप, और डब्लू वन कितना 170 बराबर कर दो। एम टू कितना है 30 गुना डी टू तो मालूम ही नहीं है, बटे कितना कर दोगे 120, क्लियर। अब यहाँ देखो कटा उटा दे दो, कटा के आंसर निकाल लो, कटा करके आंसर निकाल लोगे, देखो 30 गुना 4 कर देंगे तो 120 हुआ, ठीक है। 30 गुना 30 चौके 120 हो गया, 30 से भागा देंगे तो 4 आ गया। अब देखो 17 51 हो गया, 17 10 100 है ना, 17 51 फिर 17 से भागा देंगे 10 आ जाएगा। अब ये देखो 25 25 हुआ, 5 2 10 हो गया, फिर ये 2 से 2 2 4 कट गया, तब अब तो कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीपल कर दो भैया, डी टू बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 5 3 15 15 2 30 तो आंसर हो जाएगा 30। डी टू बराबर कितना है 5 3 15 2 30 क्रॉस कर दो तो आंसर हो गया 30। देखो मैं इतना इसलिए इजी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही आराम तरीके से, ताकि आपको हर एक बातें समझ में आई, कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। तो ये हो गया एम वन गुना डी वन बटा डब्लू वन, एम टू गुना डी टू बटा डब्लू वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इससे भी ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निक डालेंगे, थोड़ा सा जो है टेरिफिक देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमको उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन मैं करवा दूँ तो M1, D1 और M2, D2 का सारा कहानी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 प्रॉब्लम मैंने करवाया था, तीसरा प्रॉब्लम है कि 15 पुरुष जो है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, देखो M1 बराबर दे रखा है 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, तो H1 बराबर दे दिया 8 आवर्स दे दिया है प्रतिदिन काम करके, किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, तो किसी कार्य को जो है D1 बराबर दे दिया है 21 दिन। देखो सिंपल सी बात है कि कहता है M1 बराबर 15 पुरुष है, H1 बराबर यानी कि 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में कोई कार्य खत्म कर सकता है। आगे कहता है 21 महिला, देखो M2 जो दिया है, दूसरा ग्रुप जो दिया है 21 महिला है, 21 क्या है महिला है, महिला है ये महिला है, देखो यहाँ पर समझना, ये महिला है, ये आपका क्या है पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है। M2 बराबर 21 महिला है 6 घंटा काम करके, ठीक है। H2 बराबर हुआ 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, किसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो D2 बराबर कहता है वाट होगा, D2 बराबर वाट होगा। तो जबकि यहाँ पे आप ये देखो कि एक बगल पुरुष दिया है, एक बगल महिला दिया है, तो यहाँ पे मेरा तो एक ही फार्मूला इसके साथ है कि भैया M1, H1, D1 है, तो काम तो नहीं है, तो M1 गुना H1 गुना D1 बराबर क्या था M2 गुना H2 गुना D2, यही कॉन्सेप्ट था मेरा, यही कॉन्सेप्ट था। तो देखो पहला जो ग्रुप है, पहला अगर पुरुष का है तो दूसरा भी पुरुष में होना चाहिए, अगर पहला महिला है तो दूसरा भी महिला, यानी कि अगर मान लो किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो पुरुष को महिला बनाना है या महिला को पुरुष बनाना है, लेकिन यहाँ तो अलग, पुरुष अलग है महिला अलग है, अगर दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन दिया है तो क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं दिया है तो फिर आंकड़े अधूरे हो जाएगा। तो लेकिन आगे देखो दिया है कि जबकि 3 महिला 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो भैया यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 3 महिला जो है 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो हमें मालूम है कि 3 महिला बराबर 2 पुरुष हैं, तो 3 महिला बराबर कितना मेरा है 2 पुरुष है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम महिला को ही कन्वर्ट कर देते हैं पुरुष में, तो 3 महिला बराबर 2 पुरुष को रहने देते हैं, पुरुष को कुछ नहीं करते, महिला को कन्वर्ट कर देते हैं, 3 महिला बराबर 2 पुरुष है, तो 1 महिला बराबर 2/3 पुरुष हो जाएगा, 2/3 पुरुष हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा कितना महिला है टोटल 21 महिला, तो इसीलिए मेरा 21 महिला बराबर कितना हो जाएगी
21 महिला बराबर हो जाएगा 2/3 × 21 पुरुष, 2/3 × 21 पुरुष, 3 से कटा दो 7 बार में कट गया, तो मतलब 14 पुरुष हो गया, मतलब कितना हो गया 14 पुरुष हो गया, यानी 21 महिला बराबर मेरा 14 पुरुष हो गया। अब देखो इसको तो हम बेसिक भी निकाल लिए, नहीं तो आप थोड़ा सा जैसे ही इसमें आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा फास्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट वेमन निकाल लोगे। सीधा देखो 3 महिला बराबर 2 पुरुष है तो 21 महिला, तो 7 × 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, अगर 3 × 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 2 × 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो सीधा लिख देते कि 21 महिला बराबर जो है 21 महिला बराबर मेरा 14 पुरुष हो जाएगा, वो डायरेक्ट वे में निकाल दिए। यहाँ से 3 × 7 करेंगे तो 21 महिला होगा, 2 × 7 करेंगे तो 14 पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में सीख रहे हो तो ये प्रोसेस भी आप अपना सकते हो। तो चलो मैं पुरुष को पुरुष में कन्वर्ट हो गया दोनों, तो चलो 15 पुरुष जो है 8 घंटा काम करके 21 दिनों में ख़त्म करता है, तो फिर क्या कहता है कि 14 पुरुष उसी काम को 6 घंटा करके कितने दिनों में ख़त्म करेगा, तो D2 का निकालना है। देखो PP ख़त्म हो गया, PP ख़त्म हो गया, तो यहाँ ऐसा करते हैं 7 × 21 तो 3 × 2 = 6 है ना, फिर 7 × 2 = 14, अब PP यहाँ ख़त्म कर देते हैं। अब देखो ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा, फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, यानी 30 दिन हो जाएगा। तो D2 बराबर मेरा आंसर कितना निकल गया, 30 दिन मेरा डी नंबर का आंसर हो जाएगा, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और सारे कॉम्पिटिशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं, मैं नीचे वाला मैं समझाता हूँ, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, बाद में कमेंट जरूर करें देखने के बाद। और कोई भी नया अगर रूल सीखना हो, नया टॉपिक सीखना हो जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो कमेंट करें और मैं हद से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूँ। तो चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 व्यक्ति, देखो 20 व्यक्ति तो M1 बराबर दे दिया है 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करके, H1 बराबर दे दिया 7 घंटा करके किसी कार्य का 2/3 भाग, ओहो W1 कितना है 2/3 भाग, किसी कार्य का 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 20 दिनों में, तो D1 बराबर मेरा कितना हो गया 20 दिन हो गया। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो तो डायरेक्टिव फॉर्मूला पे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति, देखो कितने व्यक्ति, M2 कहता है मालूम नहीं है, कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, H2 बराबर हुआ 8 घंटा काम करके शेष कार्य को, अब देखो रेस्ट W2 क्या है शेष कार्य, तो काम तो टोटल मेरा एक है, काम तो टोटल मेरा एक है, कुल काम तो मेरा एक है। अब बताइए एक काम में से 2/3 अगर घटा देंगे तो वही ना मेरा रेस्ट काम बचेगा। अब बताइए एक में से 2/3 गया तो 1/3 होगा, तो W2 हो गया 1/3, 25 दिनों में ख़त्म करेंगे तो D2 बराबर 25 दिन हो गया। देखो सारा चीज़ मालूम है, बस M2 निकालना है, तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, जैसे ही W1 का चर्चा करेगा उससे हम भागा देने का काम करेंगे। तो चलिए हम पहला करते हैं 20 × 7 × 20 M1 × H1 × D1 / W1 2/3 बराबर M2 × H2 × D2 / W2 1/3। देखो 3-3 ख़त्म हो गया, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, 3-3 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 25 हो गया तो 5 × 20 हो गया, फिर ये 5 से कटा दो एक बार में, 5 × 20 एक बार में यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4 × 8 ये मैं 4 × 8 कर दिया, 2 से कटा दिया, और ये 2 से फिर 2 × 4 कटा दिया, फिर ये 2 भी कटा दिया, तो M2 बराबर कितना हो गया वो 7 हो गया, 7 हो गया, तो 7 आपका आंसर यहाँ एक नंबर में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को बनाना है। तो डियर स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे वर्क आएगा उससे हम भागा देंगे, और सारा चीज़ दिया रहता है, उसमें से एक चीज़ नहीं दिया रहता, उसी को निकालना होता है,
इस प्रक्रिया से अगर आप निकाल लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में स्कोर बढ़ने का चांस हो सकता है और होगा भी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये टाइम एंड वर्क का मेरा पाँचवा लेक्चर है, इससे पहले भी 4 लेक्चर ले चुका हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के मैथ्स का वीडियो खोलोगे, या रीजनिंग खोलोगे तो उसमें सारा चैप्टर्स दिया हुआ है। तो अगर आपको पीछे का प्रॉब्लम है तो जो रेस्ट मैंने 4 वीडियो बनाया है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दिया है, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।